नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में गंगोत्री से 2500 किलोमीटर की गंगा यात्रा पर निकला सीमा सुरक्षा बल की 20 महिला जवानों का दल। सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र व स्वच्छ गंगा अभियान के तहत बिजनौर जिले के बालावाली घाट पहुँचा, जहाँ क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश चंद्र गौतम, नमामि गंगे के जिला कार्यक्रम अधिकारी पुलकित जागरवाल ने दल का भव्य स्वागत किया। इस दल का उद्देश्य गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और महिला सशक्तिकरण का संदेश देना है। यात्रा का समापन 24 दिसंबर को कोलकाता में होगा। आपको बता दें, इस अभियान की शुरुआत 2 नवंबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गंगोत्री से हरी झंडी दिखाकर की थी। दल के नेतृत्व में महिलाएं कठिन गंगा यात्रा को पार करते हुए आगामी दिनों में विदुरकुटी पहुंचेंगी। इस अभियान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और गंगा स्वच्छता के संदेश को पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा घाट पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर ग्राम प्रधान बालावाली, गोपालपुर, रायपुर, बेरिशाल, सीमा सुरक्षा बल के जवान, गंगादूत की महिलाएं आदि मौजूद रहे। इस मौके पर रागनी कार्यक्रम संगरूर डेरा के अर्जुन और नकुल कुमार ने प्रस्तुत किए। बालावाली पहुंचने पर महिला जवानों ने गांव वालों के साथ गंगा आरती की और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।